हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम जेसी स्टुअर्ट की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई। जेसी स्टुअर्ट वाज एन अमेरिकन पोइट एंड ही वाज बोर्न इन 1906 एंड डाइड इन 1984। ही वाज अ गुड नॉवेलिस्ट, पोएट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत पढ़ी जाती हैं, बड़ा पॉपुलर राइटर है ये और साथ साथ ये टीचर भी था। तो इसकी स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं क्लियरिंग इन द स्काई, ये इसके एक मजमूए से ली गई है। इसके 13 मजमुओं में से एक मजमुआ है जिसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई एंड द अदर स्टोरीज, और उसी में से एक स्टोरी ली गई है क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई का क्या मतलब है ये आपको मैं एंड पे बताता हूँ, पहले बाकी कहानी थोड़ी सी सुन लें आप। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये जो एक सिंगल पर्सन है नैरेटर, इसका जो कहानी सुना रहा है नैरेटर है, और वो एक ये डिस्क्रिप्शन भी है स्टोरी में, और उसका बेटा है ये। बेटा यूं कह लें, बेटा जो सन इज़ दी माउथ पीस ऑफ हिज फादर, वो अपने बाप का माउथ पीस है। बाप यहाँ नहीं है, बाप ने इसको साथ ले गया, जो दिखाना था दिखाया, अब बाप नहीं है, चला गया, मर गया। अब ये स्टोरी खुद सुना रहा है, आगे अपने बाप को कर रहा है। तो बाप इज़ द हीरो, फादर इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। स्टोरी ये है कि मियाँ बीवी जो है, इस वक्त 70 साल का ये ओल्ड मैन है जिसकी कहानी है, साथ इसकी वाइफ है, ये दोनों एक पहाड़ के ऊपर रहते हैं। पहाड़ की बेस में, पहाड़ के नीचे वादी में इसका बेटा रहता है जिसका नाम है जेसी स्टुअर्ट। जेसी स्टुअर्ट इसका बेटा है, और इसकी पांच औलाद थी, पांच बेटे बेटियां थे, उनमें ये सबसे छोटा था। चार का यहाँ मेंशन नहीं किया गया, बस बताया गया कि दे हैव फाइव चिल्ड्रन, पांच बच्चे थे, ये छोटा था। अब ये वहाँ गया, अब ये क्या है, ये नीचे से जो रह रहा है ना वादी में, वे वादी से अपनी अम्मी अब्बू को मिलने पहाड़ी के ऊपर गया है। ये खुद शादीशुदा है, अपने बच्चे हैं इसके, ये अपने घर से अपने अब्बू के घर गया है। ये इकट्ठे नहीं रहते, वो अलग अलग रहते हैं, वो पहाड़ी की चोटी पे रहते हैं, ये नीचे वादी में रहता है। और उसको ऊपर जाना पड़ा, पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ा, अपनी अम्मी के लिए कुछ बर्तन लेके आया, स्पून लेके आया, डिश लेके आया, वो सारा कुछ उसने एक बास्केट में रखा और सर पे लेके आ रहा था। वो कार पे क्यों नहीं आया, क्योंकि स्लिपरी थी, रोड स्लिपरी थी, कार स्लिप हो सकती थी, गिर सकती थी, तो उसको उसने अवॉइड किया और वो खुद पैदल चलता हुआ आधा किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के अपने बाप और माँ को मिलने आया है, साथ साथ बर्तन लेके आया है। ये कहानी उसने हमें बाद में सुनाई है, मैं आपको पहले कहानी की बेस बना रहा हूँ। फिर वो आया उनके घर, बैठा है, चाय पानी पिया है, फिर उसके अब्बू ने कहा है, बेटे आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब्बू क्या दिखाना चाहता है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लें। देखिए, जहाँ ये रह रहे हैं ना मियाँ बीवी, ओल्ड मैन की बात कर रहा हूँ, ये 19 साल की उसकी वाइफ थी, 22 साल का ये था जब उन्होंने जहाँ रहायश रखी और वहाँ एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन को साफ़ सुथरा किया, म्यूल के साथ हल चलाया, इसकी माँ ने हेल्प की, इसके अब्बू ने, दोनों ने मिलके वहाँ कॉर्न काश्त किए, वहाँ पीस काश्त किए, पंपकिन काश्त किए, और वहाँ दूसरी फसलें उगाईं, और वो उनसे इनका गुजर बसर होती थी। पांच फैमिली को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये उसी घर में आया है अपने अब्बू अम्मी के पास। अब चाय पानी के बाद अब्बू ने कहा कि आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आधा किलोमीटर पहाड़ी चढ़ के आया है, तो आगे फिर पहाड़ी चढ़नी है। तो इसके अब्बू ने कहा, लेकिन ये बाप को इनकार नहीं कर सका था। आगे जाके पता चलेगा कि इनका बाप, इनके साथ बड़ी फ्रैंकनेस थी इनकी, बड़ा प्यार था इनका। तो ये अपने अब्बू के साथ रवाना होता है, चलें अब्बू जी क्या दिखाना है आपने। तो अब्बू ने हाथ में केन की छड़ी पकड़ी हुई है, बैत की छड़ी जो होती है, केन कहते हैं ना, जिसमें वो रिंग बने हों, ऐसा पौधा जिसमें रिंग बने हों, कोई भी हो सकता है, वो बांस भी हो सकता है, शुगर केन जो गन्ना होता है इस शक्ल का होता है, वो भी केन, बैत की छड़ी पकड़ी हुई थी। और पहाड़ी लोग आमतौर पर पकड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, गिर ना जाए, सपोर्ट मिल जाती है उसके साथ। तो उसने वो छड़ी पकड़ी हुई थी, और वो छड़ी के साथ इशारा करके बता रहा है, बेटे ये हमारे खेत हैं, क्योंकि जहाँ ये ओल्ड मैन और इसकी वाइफ रह रहे हैं ना, वहाँ इनके खेत हैं, उन खेतों में डिफरेंट सब्जियाँ काश्त की हुई हैं, फल काश्त किए हुए हैं, लेकिन इस बाबे ने क्या किया है, इन सारे फलों और सब्जियों और ज़मीन के अलावा एक और पीस ऑफ लैंड खरीदा, चोरी खरीदा, और वो कहाँ खरीदा, तीसरी पहाड़ी के ऊपर टॉप पे जाके, एट द टॉप ऑफ द थर्ड माउंटेन, उसकी पहाड़ी पे जाके इसने एक कितना ज़मीन खरीदी है, और उस ज़मीन को फिर साफ़ किया है,
पहले एक कनाल साफ़ की, फिर दो कनाल साफ़ की, फिर तीन कनाल साफ़ की, 30 साल लगे कह रहा है मुझे साफ़ करने में। अब तकरीबन 3/4 एकड़ ज़मीन है वहाँ छत वहाँ टॉप के ऊपर, उसको इसने साफ़ किया, उसमें से वीड्स निकालें, बुशेज निकालें, अनवांटेड ट्रीज निकालें, फिर उसको साफ़ करके हल चला के चोरी, सारा काम चोरी किया इसने। क्यों चोरी किया इसकी आपको वजह भी बताता हूँ आपको मैं। डॉक्टरों ने ये कहा था, डॉक्टरों ने कहा था, बल्कि जनवरी से इसी उसी साल की बात कर रहा है जब ये विज़िट करने गया ना अपने वालदैन को, तो डॉक्टरों ने जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में 8 डॉक्टरों के साथ इसने विज़िट किया था, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट था ना। तो डॉक्टर ने कहा था अब आपने घर पैदल नहीं जाना, मुझे मिलने आप आए हो, विज़िट करने आए हो, अब आप टैक्सी में बैठ के घर जाओगे, चूँकि इट विल बी हार्मफुल फॉर यू टू वॉक मोर फर्दर। तो इसने क्या किया, इसने फिर बाज़ नहीं आया, फिर पैदल चल के घर आया, 5 किलोमीटर का फासला पहाड़ियों में चलता हुआ घर आके अपनी वाइफ को बड़े फ़ख्र से बताता है कि मैंने डॉक्टरों की बात नहीं मानी और मैं फिर 5 किलोमीटर चल के आया हूँ। ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब भी आपको स्टोरी में मिल जाएगा। और ऐसा ही नहीं किया, 40 साल पहले भी कह रहा है डॉक्टर ने यही कहा था कि आप आराम करो, लेकिन मैं बाज़ नहीं आया। इस सारों के बावजूद इसने ऊपर चोरी से वो लिया ज़मीन ली, ये बताना इसलिए नहीं चाहता था कि घर वाले काम नहीं करने देंगे, घर वाले कहेंगे डॉक्टर आपको मना करते हैं, इसलिए इसने चोरी किया। ये अब चोरी किया है, अब वो तैयार हो गई है फसल, उसमें काश्त हो रही है, उसमें सब्जियां लगी हुई हैं, फल लगे हुए हैं, उसको दिखाने के लिए ले जा रहा है, यूँ कह लें उसके लिए एक सरप्राइज़ है। ये बेटे को नहीं पता मुझे क्या दिखाने जा रहा है। अब वो चढ़ता चढ़ता ऊपर कहानी सुनाता है अपनी, कहानी यही है कि डॉक्टरों और ये इसकी हेल्थ पैरेलल चल रहे हैं। इसने कहा था कि मैंने मौत को कई दफ़ा चीट किया, चूँकि डॉक्टरों को अगर मैं देखता तो अब का मैं मर चुका होता। तो आई हैव चीटेड द डेथ मैनी टाइम्स, मैंने डेथ को बहुत दफ़ा मैंने कहता है चीट किया है। तो अब कह रहा है कि मैं जो है ना, ये खेत हमारे हैं, ये आपकी, और आपकी कहानी सुना रहा है अपनी ना, ये खेत मेरे हैं, मैं और आपकी अम्मी ने, जब वो 19 साल की थी मैं 22 साल का था, हमारी शादी हुई, हम दोनों ने मिलकर ये खेत तैयार किए, इसमें उसने कहा हमने कॉर्न काश्त किए, हमने बीज काश्त किए, पंपकिन काश्त किए, कद्दू वगैरह, और उसने कहा फिर हमने कह रहा इसमें जो है ना, चूँकि आपको पता है पहाड़ी इलाकों में पानी का जो डिपेंडेंट है वो तो टोटल रेन पे होता है, तो वो पानी की तो ज़रूरत नहीं होती, अलबत्त उसमें हर्ब्स एंड शर्ब्स जड़ी बूटियाँ निकालनी पड़ती हैं, ही हैज़ टू मो हिज लैंड, उसको मो करना पड़ता है, गोडी करनी पड़ती है। तो ये सारा ये काम करता था, मेहनत करता था, क्यों करता था, टू ब्रिंग अप द 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों को पालने के लिए इसने ऐसा ही किया। अब ये छड़ी के साथ हाथ में पकड़ी हुई है और ऊपर चढ़ रहे हैं, बेटा पीछे पीछे जा रहा है, यहाँ से कहानी शुरू होती है जो मैंने पहले सुनाया, वो सारी बैकग्राउंड है कहानी की, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। और वो छड़ी के इशारे के साथ बता रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, इसमें ये काश्त किया, ये काश्त किया है, ये पकने वाले हैं, ये नहीं पकने वाले, ये न्यूली बॉर्न है, और इस तरह ऊपर जाते जा रहे हैं और कहानी सुनाता जा रहा है, साथ साथ डॉक्टरों की कहानी सुनाता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने एक कदम भी नहीं चलना, आपने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक नहीं जाना, लेकिन मैं बाज़ नहीं आया, क्योंकि क्यों, आई वॉन्ट टू कीप माई हेल्थ ऑर्डर, मैं अपनी सेहत को एक ऑर्डर में रखना चाहता था। आगे इसके थीम भी मैंने निकाले हैं, आपको बताता हूँ। तो ये कहानी सुना के ऊपर चढ़ता जा रहा है, बेटा अपनी कहानी सुनाता है, बेटा कहता है कि मैं अपनी कहानी सुनाता है कि मैं 0.5 किलोमीटर चढ़ के आया था, मेरा जाने का मूड नहीं था ऊपर, लेकिन मैं अब्बू को इनकार नहीं कर सका, मेरे अब्बू जो कहते हैं मैं उसको इनकार नहीं करता। तो अब्बू के साथ जा रहा है, अब्बू से कह रहा है, अब्बू जी मुझे व्हाट डू यू वांट टू शो मी, मुझे आप क्या दिखाना चाहते हैं। अब्बू कहते हैं कि बी पेशेंट, सब्र करें, आई विल शो यू समथिंग न्यू, तो आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो न्यू होगी, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वो हैरान हो रहा है, कह रहा है मैंने यहाँ फ्लावर भी देखे, वाइल्ड फ्लावर भी देखे, मैंने पाइन के ट्री भी देखे, मैंने यहाँ बहुत अच्छा एक कॉफ़ी का ट्री उनको मिला था मेरे अब्बू को जंगल में, वो मुझे मेरे अब्बू ने मुझे दिखाया था, वो भी मैंने देखा है। तो मैंने हर तरह का ट्री देखा है, बर्ड देखे हैं, इवन के जो गिलहरियाँ, जब हम ऊपर जाते थे, जहाँ मैं आता था बचपन में, तो मैं जो था कह रहा इस खेत में बैठ के बैठता था ट्री के नीचे, शेड के नीचे, ऊपर से जो गिलहरियाँ फॉक्स जो फॉक्स कर्ल थी वो नट्स खाती थी, उसके छिलके मेरे ऊपर गिरते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे पास 2 डॉग होते थे, रैग्स एंड स्काउट, वो कह रहा रैबिट के पीछे रैबिट की दौड़ें लगवाते होते थे, और मेरा अब्बू जो था वो रैबिट के शिकार करता था और फॉक्स स्कर्ल का शिकार करता था, खाने के लिए, मेस के लिए, किचन के लिए वो ये मीट लेके आता होता था। कह रहा है मुझे सारा कुछ तो मुझे पता है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं, क्या मुझे दिखाने जा रहे हैं। तो
क्योंकि ये वहाँ अक्सर आता रहता है, ज़ाहिर है इसके माँ बाप हैं तो आएगा ना, माँ बाप के पास अक्सर आता है, लेकिन अब 3 साल से नहीं आया था, ये यूँ कह लें 3 साल बाद आया है। तो 3 साल कह रहा है, अबू जी मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, देर इज़ नथिंग न्यू फॉर मी इन दिस माउंटेन, कुछ भी नया नहीं है। अबू ने कहा नहीं वेट तो करो, मेरे साथ आओ ना आप। अबू पहली पहाड़ी के ऊपर चला गया है, अब दूसरा जो मंजिल शुरू होती है, दूसरी पहाड़ी शुरू होती है, वहाँ पास्चर होता है, वहाँ एक मीडो होता है, दोनों का मतलब घास के मैदान ही होते हैं। पास्चर होता है ऐसी घास जहाँ काट कर ना सिक्कल के साथ, दरांती के साथ, जो काट कर घरों में लाई जाती है, जानवरों का चारा कह लें आप, और घरों में ला के जानवरों को डाला जाता है काट कर हाथों के साथ। और मीडो होता है जहाँ जानवरों को छोड़ दिया जाता है, खुद ही चरते हैं वो, ये फ़र्क है दोनों में। तो ये एक तरफ पास्चर था, एक तरफ मीडो था, दोनों के दरमियान से गुजर रहे हैं ये, क्लियर। गुजरते गुजरते उसने क्या किया, उसके अब्बू ने अपने जो उसने अपना पेन नाइफ निकाला है, उसने पेन नाइफ निकाल के पेन नाइफ के साथ वहाँ से कुछ अल्फा काटा है। अल्फा कहते हैं एनिमल का जो फूड होता है, ग्रीन फूड होता है, जानवरों का चारा होता है, उसको बरसीम भी कहते हैं, लूसन भी कहते हैं, कुछ भी कह लें आप, लूसन बरसीम। उसने एक मुठ काटी, उसकी मुठ को विस्प कहते हैं, हैंडफुल भी कहते हैं, लॉक भी कहते हैं। लॉक कहते हैं बालों की जो लट होती है, जो बालों की लट होती है उसको लॉक कहते हैं। आपने एक पोएम पढ़ी थी अलेक्जेंडर पोप, उसकी एक पोएम है दी रेप ऑफ द लॉक, उसमें उसने जो टाइटल है वो रॉक लॉक ही रखा है। तो ऐसा ये लॉक बालों की लट को कहते हैं, यानी कहना ये चाह रहा है उसने एक मुठ या एक लॉक या एक विस्प, एक हैंडफुल जो था ना वो लूसन काटा है, अल्फल्फा काटा है अपने चाकू के साथ, और उसको दिखाता है, कहता है देखो ये कितना है। वो कह रहा है अबू जी ये तो बहुत लश ग्रीन और हेल्दी भी है ये तो। ये लूसन मैंने बताया ना कि जानवरों का खुराक होती है, तकरीबन 2 फुट तक ये लंबा होता है, ऊंचा होता है हाइट में, बट इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, कल्चर टू कल्चर कम ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह केले हैं, बनाना है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान, इंडिया, बाहर देखें, दुबई में देखें और सऊदी अरब में देखें, तो केलों का साइज़ हर जगह डिफरेंट होता है, तो वेरीज कल्चर टू कल्चर करता है। जनरल यही है कि 1.5-2 फुट तक इसका साइज़ होता है और जानवरों का चारा होता है, जानवरों का फेवरेट फूड होता है ये। और उसने काट के अपने बेटे को दिखाया, देखो कितना अच्छा खाना है ये, कितना अच्छा खुराक है जानवरों की। उसका अबू कह, उसका बेटे ने कहा अबू जी इतना लश ग्रीन हेल्दी तो अल्फल्फा तो मैंने दरिया में जो सैंड होती है उसकी बॉटम में भी मैंने नहीं देखा। कहना ये चाह रहा है कि चूँकि दरिया जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपना रास्ता बदलता है ना, वो जो जगह छोड़ता है दैट इज़ वेरी रिच, दैट इज़ वेरी यू कह लें फर्टाइल, वो बड़ी ज़रखेज़ होती है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होती है, फ्रेश होती है, उसमें पावरफुल होती है। उसने कहा अबू जी ऐसा अल्फल्फा तो वहाँ भी मैंने देखा, इतना अच्छा अल्फल्फा है। तो अब ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, वो स्टोरी सुना रहा है कि यहाँ गलहरियाँ हम बैठे होते थे, और उसके अबू ने फिर थोड़ा रुक के सांस लिया थोड़ा सा, इसने भी अपना पसीना साफ किया है। ये बता रहा है गर्मी कितनी थी, गर्मी की शिद्दत को बताने के लिए उसने कहा है कि देयर वॉज 97 फारेनहाइट इन द शेड, शेड के अंदर 97 था तो धूप में कितना होगा। लेकिन कह रहा है मेरा अबू जो सोच लेता था ना, मैं लिखा भी है कि व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो सोच लेता था कुछ करने का ना, ही वो डू इट, फिर वो कर गुजरता था। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, बेशक उसको क्रॉलिंग करना पड़े, क्रॉलिंग होता है कि आखिरी हद तक जाना पड़े, जितनी मर्दी मेहनत करनी पड़े, जो मर्दी करना पड़े, तो वो कर गुजरता था। और यही उसने कहा है कि वो 97 दर्जा हरारत हो या -16 हो, ज़ीरो पे आपको पता है बर्फ़ जम जाती है, कह रहा है ज़ीरो से भी नीचे हो, -16 हो या 97 हो, ये जब उसने करना था तो फिर कर गुजरता था ये। तो ऐसे ही कह रहा था कि मेरे अबू की, क्योंकि ही वॉज़ अ डिटर्मिनेंट पर्सन, ही वॉज रेजोल्यूटेड पर्सन। तो अब कह रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे डॉग होते थे, मैंने बताया कि डॉग के साथ ये शिकार करता था। फिर कहता है मुझे ऊपर पाइन ट्री नज़र आए, ऊपर बड़े ऊंचे पाइन ट्री थे जिनकी शाखें जो थी ना, फिंगर्स बोला उसने, वो बादलों को छू रही थी, बादलों में फोंडलिंग कर रही थी, पेम्परिंग कर रही थी बादलों के साथ, छेड़खानी कर रही थी बादलों के साथ। तो कह रहा है कि मैंने कहा अबू जी इतने बड़े ट्री ऊपर ऊपर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे आप, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। उसके अबू ने कहा नहीं, आई विल शो यू समथिंग न्यू दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर। अब ऊपर चला गया, ऊपर जाके उसने देखा एक फेंस लगी हुई है, तार लगी हुई है। तो उसने कहा अबू जी ये तार किस लिए है, उसने कहा आ जाओ मेरे पीछे। अबू ने थोड़ी तार ऊपर उठा के दोनों जो ना फॉर्म के अंदर चले गए हैं।
तो उसका बेटा हैरान हुआ देखकर, इतनी टॉप पहाड़ी की चोटी के ऊपर इतनी साफ सुथरा खेत जिसमें कोई जड़ी बूटी नहीं थी, जिसमें कतारों में लाइनों में टमाटो लगे हुए हैं, 5-6 लेने टमाटरों की हैं, फिर ऊपर जो ना लेन बनी हुई है, इस तरह मैंने बताया ना पहाड़ की ऊंचाई के लिहाज से लेने बनाई उसने, तो एक लाइन में टमाटर हैं, फिर ऊपर पोटैटो हैं, फिर ऊपर जैम्स हैं, इस तरह जो है ना वो काश किया हुआ उसने तह दर तह। उसने कहा, अबू जी इतना साफ सुथरा ट्री, देर इज़ नो हर्ब एंड शर्ब, नो वीट इन दिस लैंड। तो ये इसने, ये इसके गिर्द एक फेंस भी लगाई है, जंगला भी लगाया, ये किसने लगाया ऊपर आके? उसको तो नहीं पता था कि मेरे बेटे का, मेरे अबू का काम है ये। उसके अबू ने बड़े फ़ख्र से कहा था, इट वॉज़ योर फादर हु फेंस दिस एंड हु ग्रो द पोटैटोज़ टमेटोज एंड अदर वेजिटेबल इन द फॉर्म। कह रहे ये आपका अबू है, फ़ख्र से कहा, साथ उसको आँख मारी अपने बेटे को। आँख एक प्यार से होती है, फ्रैंकनेस होती है बाप और बेटे की। आँख मारने का मतलब है, ये ओल्ड मैन थोड़ा शरारती भी था, थोड़ा जॉली भी किस्म का था, थोड़ा रंगीन मिजाज था। बेटे को थोड़ी सी आँख मार के ब्रैगिंग, बड़े फ़ख्र से कहा उसने, फ़ख्र से कहा, गुरूर से नहीं कहा, एक फ़ख्र होता है, गुरूर होता है। उसने प्राउडली कहा कि बेटे ये मैंने काम किया है। उसने कहा, अबू जी देखो इतनी सेहत ख़राब के बावजूद आपने काम किया। उसने कहा, इसलिए तो छुपाया था मैंने, आपने मुझे करने देना था कोई। जब वो देख के आते हैं तो वो कह रहा है, अबू जी आपकी ज़मीन नीचे भी है, कितनी ज़मीन है वहाँ आप काश्त कर लेते ये चीज़ें, ऊपर आके आपने क्यों काश्त किया? उसने कहा, बेटे जी यही बात मुझे मोहल्ले वालों ने, गाँव वालों ने, मेरी सोसाइटी वालों ने, मेरे विलेज वालों ने मुझे कही थी कि आप ऊपर क्यों लिया जाके, आपने घर तबाह कर दिया अपना, आप ख़त्म कर देंगे अपने आप को, ये कभी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे इसको ठीक करने में। कह रहा लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने क्या किया? कह रहा इसलिए किया यहाँ, कहता इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, ये सबसे आला है टमाटरों का। क्यों आला है? कि ये ज़मीन फ्रेश है, अनटचड है, हेल्दी है, पावरफुल है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। तो कह रहा इसलिए ये यूज़ नहीं हुई, यहाँ कोई चीज़ कल्टिवेट नहीं की किसी ने, अब मैं करूँगा तो इसका फ्लेवर सबसे आला होगा। तो ये बात थी मैंने ऊपर लिए जाके। तो फिर ये वापस आते हैं, उसने कहा था कि मेरे टमाटो पकने वाले हैं, कुछ दिनों तक मैं आपको खिलाऊंगा, आप देखोगे कितना टेस्टी हैं, कितने फ्लेवर्ड हैं और कितने अच्छे हैं, कितने हेल्दी हैं। फिर वो वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो वापस आते आते फिर वो जो है ना वो अपनी कहानी, यही बस कहानी शुरू होती है तो सफ़र में शुरू होती है, जा रहे होते हैं ऊपर, जब ख़त्म होती है तो वापस आ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐड करना वहाँ के ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए एक से अलावा कई रास्ते और भी थे। उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जी आप बिल्कुल सीधा चढ़ रहे हैं, इतनी मुश्किल चढ़ाई आप चढ़ रहे हैं, आप राउंड घूम घूम के आए, वो स्लोप कम होती है, अब कम आपको थकेंगे, आप टायर्ड कम होंगे आप। तो उसने कहा था कि मैंने बेटे ये रास्ते उस वक्त बनाए थे जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यू आर गोइंग टू डाई, यू विल डाई सून, तुम मर जाओगे, बहुत बीमार हो। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ना लंबा रास्ता ले लिया था लेकिन वो चढ़ाई कम थी, तो मैंने ही बनाए हुए हैं सारे ये। जब मैं ज़रा ठीक होता था तो मैं सीधा चढ़ जाता था शॉर्टकट में, शॉर्टकट में चढ़ाई ज़्यादा होती है तो खपना ज़्यादा पड़ता है, और जब स्लो जाएंगे, स्लो स्लैब पे जाएंगे तो स्लोप पे जाएंगे तो फिर कहता है रास्ता लंबा हो जाएगा। कह रहा मैंने ही बनाए हुए हैं सारे ये। नीचे आ गए, कहानियाँ ख़त्म हो जाती है। अब कहानी से आपने क्या रिजल्ट निकाला है? वो जो जैस, उसका पूरी स्टोरी में नाम जैस यूज़ हुआ है, जैसी था लेकिन जैस जैस कह रहा है उसका अबू प्यार के साथ। और मैंने बताया ना, ही इज़ माउथ पीस ऑफ हिज़ फादर, बाप इस स्टोरी का हीरो है, ये माउथ पीस है। और अपने बाप की जो है ना एनर्जी, जिसे कहते हैं विल पावर, उसको शो कर रहा है कि मेरा अबू कितना विल पावर वाला था, कि 5 बच्चों को पालने के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल था मेरा अबू, उसने हिम्मत नहीं हारी। और ये थीम जो है लोगों ने डिफरेंट निकाले हैं, कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो इस कहानी का एक मेन चीज़ यही निकलती है कि क्लियरिंग इन द स्काई इज़ द स्टोरी ऑफ द मैन हु इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल टू लिव एन एक्टिव लाइफ एट द एज ऑफ 70। अच्छा 70 एज भी ना बाइबल में 70 एज ही है हर क्रिश्चियन की एज 70 साल ही होती है। उसने कहा था कि आई एम टेकिंग द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ बिकॉज दिस लाइफ आफ्टर 70 इज़ द बोनस फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। अल्लाह की तरफ से 60-70 साल के बाद जो उम्र है ना वो बोनस होता है, उम्र हमारी ख़त्म हो चुकी 70 साल। अब मैं कह रहा है कि मैं जो था वो जी रहा हूँ। तो उसने फिर अपनी, मैंने बताया ना ऊपर जाते हुए वापसी आते हुए अपनी स्टोरी, अपना रिमाइंड करा रहे हैं, अपना माजी याद करा रहे हैं। वो कह रहा था बेटे जब तुम 6 साल के थे ना तुम मेरे साथ खेत में आए थे, हल चला रहा था मैं
मैंने तुम्हें एक हल बना के दिया था, लकड़ी का प्लो बना के दिया था, और तुमसे वो गुम हो गया। गुम कहाँ हुआ? फ्रो के अंदर। फ्रो कहते हैं जब हल चलते रहे दोनों तरफ से लाइन बनती ना बीच में, दोबारा मिट्टी गिर के बंद भी हो जाती है, उस लाइन को फ्रो कहते हैं। कह रहा है तुमने उस फ्रो में गुम कर दिया था, फिर मैंने तुम्हें और बना दिया, तुम रोने लग गए थे। तो जब दूसरा बनाया वो तुम्हें पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, पहला तुम पहले से ज़्यादा प्यार था। तो ये छोटी छोटी बातें अपने बेटे को बता रहा है वो। अब वापसी आ गए हैं, कुछ थीम आपके लिए हैं। पहला थीम यही है, नो डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी की कोई आपका कोई ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है तो ज़िंदगी का फ़ायदा कुछ नहीं है। ज़िंदगी की अगर आपका माइंड में डिटर्मिनेशन रखें कि मैंने ये करना है, इरादा करना है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आने वाली नस्ल को कुछ दे सकते हैं। दूसरा इसका बहुत अच्छा थीम है, बेटर वियर आउट टू रस्ट आउट। रस्ट आउट होता है जंग लगना। एक लोहे को घर में पड़ा पड़ा जंग लग जाए, इससे बेहतर है बाहर जाके मर जाए। मतलब लोहा घर में मर जाए, मतलब क्या ना, ये चाह रहा है कि मैं अगर घर में बैठ के मैंने मरना है तो मैं काम करता क्यों ना मरूँ मैं। ये उसकी डिटर्मिनेशन शो कराती है। फिर उसने कहा रेजोल्यूटनेस और डिटर्मिनेशन को शो करता है। वो मैंने आपको बताया है कि उसका वो कह रहा था ही वॉन्ट्स, ही मेड अप हिज माइंड। तो कह रहा फिर वो क्या करता है, ही वो डू इट, वो इसको कर गुजरता था। ये डिटर्मिनेशन होती है, मैंने करना है तो बस करना है, 97 हो या -16 हो, दर्जा हरारत की कोई बात नहीं है, टेम्परेचर की कोई बात नहीं, जितना मर्जी हो। फिर उसने कहा है ओल्ड, अच्छा लव ऑफ नेचर इसकी देखें कितनी है। जब ऊपर गए थे ना, इसने सॉयल उठाई थी अपने लैंड की, क्योंकि ही वॉज वेरी इमोशनल अबाउट हिज लैंड, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने खुद तैयार की थी, उसको प्यारी लगती थी। मिट्टी को उठा के सूंघा नहीं बल्कि सांस के साथ सॉयल को अपने मुंह के अंदर ले गया था वो। इतनी डिटर्मिनेशन आप देख लें, इतनी इमोशनल जो है ना अपने अटैचमेंट है अपनी लैंड के साथ, कि मिट्टी को सांस के साथ अंदर ले गया है वो। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। तो फिर वो कह रहा है कि ब्रैगिंग, फिर अपने फैमिली के साथ उसको प्यार था, मोहब्बत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैमिली के लिए ही हैज़ टू लिव, उसको रहना पड़ा, ज़िंदा रहेगा वो, काम करेगा वो। फिर उसने कहा एक और उसका थीम है, ही वॉन्टेड टू कीप हिज हेल्थ इन ऑर्डर। वो अपनी सेहत को ठीक रखना चाहता था, वो चाहता था मेरी सेहत ठीक रहे, और ऐसे ही ठीक रहेगी जब वो काम करे। काम करेगा तो पुर्जे चलते रहेंगे, वो ठीक रहेगा, अगर बैठ जाएगा तो उसको जंग लग जाएगा, और जंग लग के वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं कहता वैसे ही क्यों ना अपनी सेहत ख़राब कर लूँ अगर है तो। जी मैंने आपसे कहा था क्लियरिंग इन द स्काई का एंड पे मीनिंग बताऊँगा, अब देखें खुद ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हाइट पे जाके उसने एक ज़मीन का पीस लिया है, पीस ऑफ लैंड ख़रीदा है, हाइट पे जाके, हाइट भी लास्ट हाइट है, पीक है, उसके ऊपर आगे कोई पहाड़ नहीं है। अब इतनी ऊंचाई पे जाके जब, फिर उसने कहा था कि जो ऊपर दरख्त हैं वो बादलों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, फोंडलिंग कर रहे हैं। अब देखें इतनी हाइट पे जाके बनाया है, तो आप ये भी कह सकता था कि पीस ऑफ लैंड एट द टॉप ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर ज़मीन का एक टुकड़ा, ऐसे भी कह सकता था वो। लेकिन उसने जान के उसकी हाइट को अप करने के लिए, उसकी हाइट को हाइट पे अर्ज देने के लिए उसने स्काई लगा दिया है, क्लियरिंग इन द स्काई, के आसमान में जाके कितना साफ करना, आसमान में जाके ज़मीन साफ करना। आप आमतौर पे भी देखें जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो बहुत ऊंची होती हैं, हम उसे कहते हैं स्काई किसिंग बिल्डिंग्स, आसमान को चूमने वाली, हालांकि आसमान को नहीं चूमती वो। एक मुहावरा तन कहा उसने, यहाँ भी एक मुहावरा तन कहा है कि बहुत ऊंचाई पे जाके उसने एक ज़मीन साफ की है, और उसको 30 साल लगे, मैंने बताया था। तो इसी तरह हम और बिल्डिंग हो तो स्काई स्क्रैपर भी कह लेते हैं, स्काई टचिंग भी कह लेते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए क्लियरिंग का मतलब है कि बुलंदी पे जाके साफ करना। अच्छा क्लियर और क्लीन का क्या फ़र्क होता है? क्लियर होता है हाथ के साथ कुछ साफ करना, चीज़ें उठा के इधर उधर रखना, और क्लीन का मतलब होता है कपड़े के साथ कुछ साफ करना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप खाना खाते हैं टेबल पर बैठ के, खाना खाने के बाद आप कह रहे हैं इसको क्लियर करो और क्लीन भी करो, तो क्लियर करने का मतलब है प्लेटें उठाओ, वहाँ से स्पून भी उठाओ, वहाँ से डिश सारी उठाओ, गिलास उठाओ, जग उठाओ, उसके बाद ये आप क्लियर कर रहे हैं। फिर क्लीनिंग करने के लिए आप कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर मारते हैं, उसको साफ़ करते हैं, मोपिंग कह लें आप। तो ये इस तरह क्लीनिंग और क्लियर, यहाँ क्लियर की बात हो रही चूँकि उसके अंदर से उसने अनवांटेड ट्री को उखाड़ा था, रूट आउट किया था, फिर उसने उसके अंदर से वीड्स उखाड़े थे, फिर उसके अंदर से उसने बुशेज उखाड़ी थी, झाड़ियाँ उखाड़ी थी, उसको मो भी करता था, वो नुलाई भी करता था, गोडी भी करता था, उसने हर्ब्स शब्द सारा कुछ साफ किया, फिर उसके अंदर काश्त किया है। तो अब जो है ना, इसलिए उसने क्लीयरिंग लगाया, नॉट क्लीनिंग। सो वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।